अरे भाई साहब। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और टाइम जो है करीब 4 बजने वाला है। 4 बजे मेरे पास है। अगर भाई उस दिन की तरह लेट हो जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलते हैं अभी बस स्टैंड पर। फिलहाल बहुत कुछ घूमना है लेकिन मोबाइल में चार्ज ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर मस्त वाली सनराइज सनसेट कुछ टाइम में होने वाला है। और यहाँ पर भाई चलते हैं भाई, चल चल भाई। जैकेट तो डाल दिया हूँ लेकिन 4 बजे जैकेट डालना अजीब लग रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है देख सकते हैं। और मैं इतना देर भाई पैदल चल चल कर जाऊँगा तो और भी गर्मी लगी। पता नहीं कौन सी भाई मस्त वाली वन बजा रहा है पीछे, एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा। चलते हैं भाई। गाइज अभी पहुंच गया हूँ कॉलेज की न्यू बिल्डिंग के पास। देख सकते हैं ये कुछ न्यू बिल्डिंग है पेन कॉलेज की भाई। और 4 या 6 महीने रह गया है, इससे भी गुड बाय कहना पड़ेगा। चलते हैं। फिलहाल बाईपास आपको मेरे सामने दिख रही होगी वहाँ पर भाई। तो गाइज ये कॉलेज की मेन गेट, यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, बस आएगा तो मैं जाऊँगा। तो मुझे जो है ना भाई सीट नहीं मिली, ऐसे ही जा रहा हूँ बस में। तो गाइस जा रहे हैं लेकिन सब करते हैं मोटर ब्लॉगिंग, लेकिन आज हम करेंगे भाई बस में ब्लॉगिंग। देख सकते हैं ये पहुँच गए बरमुंडा बस स्टैंड। देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे बसेस लगे हुए हैं और भाई बहुत भीड़ होती है। देख सकते हैं आगे भाई कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ है भाई यहाँ पर। भाई आगे आप बैठते हैं भाई, मुझे जो है ना सीट मिल गई फाइनली, मैं बैठा हूँ आगे आराम से। लेकिन भाई आगे आप जब ड्राइवर के पास बैठते हैं तो भाई पता चलता है क्या होती है प्रॉब्लम और क्या होती है दिक्कत, कितना भाई सर दर्द करता है गाड़ी चलाने में, एक गाड़ी और भाई पैसेंजर को लेने में भाई बहुत मुश्किल का सामना करके भाई ये लोग हमें ना भाई अंकल देख सकते हैं भाई कितने मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और भाई यहाँ से भाई यहाँ पहुँच जाते हैं हमको। तो ये रूट में तो इतना भीड़ नहीं है लेकिन ज़्यादा भीड़ भाई मैं तो अभी भाई कॉलेज के टाइम है हूँ, तो जो पीछे तो बच्चे हैं भाई कॉलेज के बच्चे, एक टाइम तो भाई ऐसा था जब मैं खड़ा था बहुत सारे लोग आ गए थे भाई यहाँ पर। फाइनली बहुत से यहाँ से जा चुके, पता नहीं मास्टर के टाइम पर कब तक पहुँचेंगे। ये वाला रूट ना भाई हमेशा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बस भाई यहाँ पर आके लगते हैं, जहाँ भी जाते हैं यहाँ से ही शुरुआत होती है, तो इसलिए ये रूट हमेशा बिजी रहता है, इसलिए यहाँ थोड़ी ट्रैफिक होती है भाई। कोणार्क फेस्टिवल जो है 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू होगा, 5 दिन चलेगा, तो इसलिए बहुत लोग जो है ना कोणार्क फेस्टिवल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कोलकाता कितना 442 और भाई बालेश्वर यहाँ पर 200 किलोमीटर पर कोलकाता है 200 यहाँ से भाई यहाँ से। तो कोणार्क फेस्टिवल है ना भाई बहुत दिन चलेगा, इसलिए भाई मैं भी जा रहा हूँ। तो कोणार्क फेस्टिवल है ना भाई, मुझे पता नहीं कोणार्क में कितने लोग जाएंगे, क्योंकि जब वो बस पहुँचेगी मास्टर घाटी पर, मास्टर घाटी पर एक दिक्कत है भाई, पास में ही रेलवे स्टेशन है, जो भी टूरिस्ट जो भी बाहर के लोग आते हैं डायरेक्ट मोवोस में आ जाते हैं और मोवोस तो डायरेक्ट कोणार्क ही जाते हैं, तो बहुत ही आसान होते हैं वहाँ पर जाना। तो देख सकते हो आप भी भाई यहाँ से पर हूँ और कुछ ही टाइम में पहुँचूंगा मास्टर घाटी। तो भाई कुछ ही टाइम आने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक में थोड़ी टाइम फंस गए और ट्रैफिक थक और खुल गई भाई यहाँ पर। भाई मैं बैठ कर आराम से अपने भाई ईयरकट लगा कर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और भाई ये भाई बस वाली ब्लॉगिंग है, पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी लेकिन बाइक में करता हूँ, लेकिन भाई बस से तो भाई मस्त बैठ कर ना आराम से भाई आगे का सीट विंडो ले जाओ और आराम से बैठ कर ब्लॉगिंग करो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। पता नहीं कब पहुँचेगा मास्टर घाटी, अंधेरा भी होने वाला है, देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी लाइट्स ऑन हो चुके हैं। और फिलहाल यहाँ से क्या 4-5 किलोमीटर कुछ रह गया होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, इसलिए तो भाई मैं आराम से बैठकर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जैसे ही मास्टर घाटी में पहुँचता हूँ आपको डायरेक्ट मिलता हूँ वहाँ पर। पता नहीं यार ये सोचता हूँ कितना भीड़ होगा क्योंकि कोणार्क फेस्टिवल कल है।
तो गाइस यहाँ पर लिखा है आई लव भुवनेश्वर, तो यहाँ पर भाई मस्त वाली प्लेस है। अब भाई मैं तो कभी यहाँ पर नहीं गया क्योंकि बॉस यहाँ से भाई चली जाती है, तो यहाँ से भाई कभी नहीं गया। तो ये कुछ होती है भाई यहाँ से टर्न लिया, तो इसलिए वहाँ पर बस नहीं रुकता और मैं भाई कभी भी यहाँ पर फटो नहीं खींचा, लेकिन एक दिन खींचेंगे भाई। पहुँचने वाले देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रेलवे स्टेशन, मतलब मास्टर एंडन टर्मिनल में हम जा रहे हैं जहाँ पर मोवो स्टॉप होती है। कुछ ही टाइम में क्या होता है 5 मिनट में पहुँच जाएंगे यहाँ पर एक टर्न, और उसके बाद पहुँच गए भाई हमारे जो है ना मोह बस स्टैंड में। लेकिन भाई भीड़ ना गजब की यहाँ पर है। A few moments later, guys, जो अंदर जो है काफी हो चुके हैं, फाइनली पहुंच गए मास्टर कैंटीन पर, देखते हैं अपना बस आया है या नहीं। तो गाइस अब भी देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मोवस जो है ना उड़ीसा में चलती है, तो इससे क्या होता है ना बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, और बहुत सारे लोग जो है मोवस में जाते हैं। फाइनली हमारी बस कब आएगी मुझे नहीं पता, वेट करते हैं। अब भी भाई पूछा पता नहीं कब आएगी। गाइस दूसरी तरफ आपको दिख रही होगी ये रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो फ्लैग के देखकर आपका अंदाजा लग गया होगा रेलवे स्टेशन बिल्कुल ठीक इसके पार ही है। ये तो रेलवे स्टेशन की कुछ है, देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन भाई यहाँ पर। आप ट्रेन की हॉर्न सुन सकते ना, ट्रेन तो ट्रेन एक आकर लग गई शायद, देख सकते हैं भाई ये सारे लोग जाएंगे 71 में रूट कोणार्क को, मैं कहाँ जाऊँगा भाई। गाइस वहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ना भाई सब जाएंगे कोणार्क फेस्टिवल देखने भाई। एक ही बस है भाई हमारे रूट में भाई, पता नहीं था इतने सारे लोग जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए यहाँ पर आ गया। भगवान के दया से अगर यहाँ पर रुक जाए बस मैं उठ जाऊँगा वहाँ से, पता नहीं क्या होगा भाई। गाइस अंकल जी ने मुझे नहीं लिए और ये कुछ सीन है भाई, अब भी नहीं चढ़ सकते भाई, नहीं देख सकते ना भाई बहुत भीड़ है इसलिए भाई नहीं ले रहे। भाई देख सकते एक ही ऐसी बस है और भाई ये नहीं ले रहे हमें भाई, बोल रहे वहाँ पर जाकर उठेंगे, पता है नहीं क्या होगा, कोई भी नहीं है यहाँ पर शायद भाई, बिल्कुल नहीं ले रहे। देख सकते ना बहुत भीड़ है भाई वहाँ पर, पता नहीं कहाँ से उठेंगे, देखते हैं कुछ ट्राई करते हैं। तो ये कुछ हो रहा है भाई देख सकते हैं, ये कुछ आज बहुत लोग है कोणार्क फेस्टिवल देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भाई ये नहीं उठा रहे, देख सकते ना भाई ये नहीं उठा रहे हैं। अभी जहाँ पर स्टेशन है वहीं पर उठाएंगे, पता नहीं क्या होगा। लोग आप दिखाता हूँ एक बार, ये सारे लोग जाएंगे कोणार्क देख सकते हैं ना, ये सारे लोग जाएंगे, हम एक आ जाऊंगा। 5 minutes later, अरे भाई साहब देख सकते हैं भाई मैं कैसे जाऊं इसमें। टॉपर जा मेरे भाई कहीं आवते लगे जानी भाई। इस बस में मैं जाऊंगा कभी नहीं जाऊंगा, बहुत तेज हो रहा है, यहाँ से जाऊंगा और प्राइवेट बस में जाऊंगा। देख सकते हैं इतने भीड़ में, पता नहीं था कोणार्क फेस्टिवल लोग बस से जाते हैं, ये तो मुझे पता नहीं था। देख सकते हैं पूरे बस फुल हो चुके हैं। ये क्या बात करता है यार। गाइस सारे लोग जा रहे हैं कोणार्क, तो सीट नहीं मिलेगी इसी जाम में जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब আজি গোটে মো মাত্র গোটে রেকর্ড হব দেখিল টিকে বাহার কেজা লোক দেখি দিও টিকে গেট দে পুরা পছু চল পছর জায়গা আছে পছর জায়গা আছে আমার দুইটা আছে নিমাপড়া
ପଳାଇ ଦଉ ଗୋଟାଏ ସିଟ୍ରେ 10 ଜଣ ହଁ ଆଉ ନାଇଁ ମୋ ଯାଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଗୋଟାଏ ଅଛି ନିମାପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ହବ ଭାଇ ଆଇଲା କି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚ ଗଲ ନିମାପଡ଼ା ପରେ ସେ ବସ୍ ସେଇ ଆଇଥିଲା ଲେକିନ କେତନା ଭିଡ଼ ତ ଖୁସ୍ ଦେଖକର ଅନ୍ଦାଜା ଲଗା ଚୁକା କି ଭାଇ ଇତନା ଭିଡ଼ କରିବ 200 ଲୋକ ଭାଇ ଆ ରହେ ହୋଗେ ଇସ ବସ୍ ସେ ଦେଖ ସକତେ ଅଭି ଭି କେତନା ଭିଡ଼ ହୈ ବସ୍ ୱାନ୍ ଇଟର୍ନିଟି ଲେଟର୍ ତ ଗାଇଜ୍ କାଫି ଟାଇମ୍ କେ ବାଦ ପହଞ୍ଚ ଗଏ ହେଁ ଦେଖ ସକତେ ହେଁ ଚକୁନି ଭାଇ କେ ଦୁକାନ କେ ପାସ ଅର୍ ଭାଇ ଆମ ପରେ ଆପ ଦେଖ ସକତେ ଚନ୍ଦ ଭାଇ ବି ହେ फिलहाल देख सकते हैं इसी ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आप तब तक के लिए आपको गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और इसी ब्लॉग का जो है यहीं पर एंड करते हैं।